हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर, और उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था। उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है तो 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 की फॉर्म में होगा, ये मुझे इसमें प्रूव करके बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। लेट सपोज ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ए क्या है? कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है इसके अंदर। उसके बाद यहां पर जो बी की वैल्यू है वो मैं क्या ले लेता हूं, 6। अगर बी आपका 6 होगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन ऑफ 6, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको। आर का वैल्यू हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब वी यूज, हम लोग यहां पर क्या यूज करने वाले हैं, ईडीएल यूज करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे। और वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू 6, क्यू प्लस आर, आर का वैल्यू 0। फिर सेकेंड ए इज इक्वल टू 6q+1, थर्ड ए इज इक्वल टू 6q+2, फोर्थ ए इज इक्वल टू 6q+, आर आर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, यहां तक तुम तक हो गया, अब क्या हो जाएगा 3। ए इज इक्वल टू 6q+ क्या हो जाएगा 4 एंड 5 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6q+5। अगर b की वैल्यू 6 होती है तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर यूज करूं तो ये होगा a ऑड इंटीजर। a कैसा नंबर है, ऑड इंटीजर है। तो अगर a ऑड इंटीजर है तो a कैन नॉट बी 6q+2 एंड 6q+4, ये नहीं हो सकते बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये सारे नंबर जो हो रहे हैं ये डिविजिबल क्या है, 2 है। सो देयरफॉर ए इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ये नंबर जो ए होगा इसलिए 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होगा। स्टूडेंट इसको आप नोट करें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन सेकंड आता है, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा, आपको यूक्लिड डिविजन लेमा का यूज करना है एंड शो दैट The square of any positive integer। अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, then it is a form of 3m and 3m+1। तो वो किस फॉर्म में होगा, 3m and 3m+1 की फॉर्म में होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो सॉल्व करते हैं। Let a be any positive इंटीजर विथ बी इज इक्वल टू 3, बी का वैल्यू मैंने कितना लिया इसमें 3, दैट इज अ फॉर्म ऑफ, तो इसकी जो फॉर्म होगी दैट इज अ फॉर्म ऑफ 3q+0 होगी। ये 3+0 क्यों होगी, अभी आपको मैंने बताया अगर बी का वैल्यू 3 होता है तो आर का वैल्यू होगा 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा।
और यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर यूज करें तो a इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3q प्लस 0 हो जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा और 3q प्लस 2 हो जाएगा। देन अगर a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विद b इज इक्वल टू 3, देन इट इज अ फॉर्म ऑफ 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, ये हमारी फॉर्म होगी। हमें इस क्वेश्चन में स्टूडेंट क्या बताना है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका आप क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर कर रहे हैं यहां पर, तो किस फॉर्म में होगा, 3m एंड 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट नंबर a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे। Then a square is equal to 9q square and a square is equal to 3 multiply 3q square. इसको क्या assume कर लेंगे, m, because some integer m है, some integer मतलब कोई भी integer m हो सकता है, तो हम इसको let m कर देते हैं, तो ये क्या आ गया 3m। हमें question में यही prove करना था कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है उसका स्क्वायर करते तो किस फॉर्म में होगा, 3m की फॉर्म में होगा। a इज इक्वल टू क्या बेटा, 3q प्लस 1, बोथ साइड क्या करेंगे इसका, बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में बेटा कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ गया तो यहां हो गया 3q स्क्वायर प्लस, यहां कितना हो गया 2q प्लस 1 a स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसको m प्लस 1 कर लेंगे तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अपना जो थर्ड पार्ट है मतलब थर्ड नंबर जो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 इसका क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, हम क्या कर रहे हैं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ओपन कर रहे हैं हम लोग, यहां क्या हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 3q प्लस इंटू 2 9q स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और 3 2 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 12q प्लस 4 को हम लिख सकते 3 प्लस 1, इसमें हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ गया, यहां कितना हो गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे m, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और ये भी आ गया 8 स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना था कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है और उसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो किस फॉर्म में आएगा, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो मेरे पास तीन नंबर थे, a इज इक्वल टू 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इनका मैंने स्क्वायर किया तो मेरी फॉर्म बनी 3m, 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। स्टूडेंट इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, आप इसको नोट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, क्या शो करना है इस बार, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने उसका स्क्वायर किया था, इस क्वेश्चन में हम लोग इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और वो किस फॉर्म में आएगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में आएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन सेम है, आपको सिर्फ इसमें अब क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, इस वाले में हम क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, कैसे लिखेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव
इंटीजर, ई बी एनी पॉजिटिव इंटीजर विथ बी इज इक्वल टू, अब पिछले क्वेश्चन में बी का वैल्यू कितना लिया था 3, या 9m और 9m लेना है तो हम इस क्वेश्चन में भी बी का वैल्यू 9 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और 3 से भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 से थोड़ा हमारा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए हम इस क्वेश्चन को 3 से करेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है और 27 9 के क्या होते हैं, मतलब 9 के मल्टीपल में आता है ना। तो इस तरह से हम यहां ले लेंगे बी की वैल्यू 3, वी यूज हम लोग सॉरी बी इक्वल टू 3, देन इट इज फॉर्म ऑफ 3q+0, 3q+1 एंड 3q+2। अब इन नंबर्स का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, a इज इक्वल टू 3q, पिछले वाले में स्क्वायर करेंगे इसमें हम क्यूब करेंगे, क्यूब है ना बोथ साइड क्यूब करते हैं बोथ साइड, ठीक है ना, तो क्यूब करते हैं बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 27q³, a क्यूब इज इक्वल टू 9 × 3q³, तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 और इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे m, तो ये क्या आ जाएगा 9m। इस तरह से हमारा पहला आ गया, हमें क्यूब करने पर क्या आया 9। सेकेंड जो नंबर है हमारा a इज इक्वल टू कितना है 3q+1, बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यूब करने वाले हैं, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q+1 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a, ये वाली हम यहां पर क्या करने वाले हैं, आइडेंटिटी को यूज करेंगे। स्टूडेंट इस आइडेंटिटी को यूज करके हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं क्या है, a का क्यूब तो क्या हो जाएगा बेटा 3 क्यूब का होल क्यूब, b का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर करेंगे बेटा तो 3 क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना बेटा 1 + 3, b का स्क्वायर b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू कितना है 3 क्यूब हो जाएगा। इस तरह से हम इसका क्यूब ओपन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा 27q³ प्लस 3 × 9q² प्लस 3 × 9³ प्लस, और ये बेटा क्या आ जाएगा हमारा यहां पर 1 आ जाएगा। अब आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, सभी टर्म्स के अंदर 9 कॉमन आ रहा है तो इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो बेटा इसमें मैंने 9 कॉमन ले लिया, यहां हो गया मेरा 3q³ प्लस यहां हो गया 3q² प्लस यहां हो गया q प्लस और यहां हो गया 1, इसको हम लैड कर लेंगे कि ये क्या है m है, तो ये क्या बन जाएगा 9m+1। तो यहां पे भी हमें क्यूब करने पर जो फॉर्म मिली वो क्या मिल गई, 9m+1 फॉर्म मिल चुकी है। अब हमारा जो थर्ड नंबर आता है a इज इक्वल टू 3q+2, यही है मेरा, ठीक है। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और फॉर्म क्या बनेगी बेटा 9m+8 फॉर्म बन जाएगी। अभी सॉल्व करते हैं, यहां भी क्या किया जाएगा, बोथ साइड क्या करेंगे हम क्यूब करेंगे, a का क्यूब इज इक्वल टू 3q+2 का होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू इसका क्यूब करते हैं तो क्या आ जाएगा 9q³ a क्यूब, ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 है ना, तो 9 का a क्यूब प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 a³ प्लस b क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर करेंगे तो 9q² × b वैल्यू 2 प्लस 3b² 3 × b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 × ये कितना आ जाएगा 3q। उसको हम कैसे लिखेंगे बेटा, 27q³ प्लस
9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 थ्री जा 9 4 क्यू प्लस और ये हो जाएगा मेरा 8। इन सभी में मेरा 9 क्या आ रहा बेटा कॉमन। अब अपने पास यहां से 9 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा 3 क्यू प्लस यहां से अगर 9 कॉमन आ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3 2 6 प्लस यहां कितना बचेगा बेटा 4 क्यू प्लस यहां कितना हो जाएगा 8। स्टूडेंट इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे n, क्योंकि n क्या है यहां पर सम इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को हम m लेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8 और ये आ गया a क्यूब। तो किसी भी नंबर्स का क्यूब करने पर हमें तीन फॉर्म नजर आ रही है नंबर, जब पॉजिटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो मिल रहा है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। आपको अगर कोई भी इस क्वेश्चंस के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आ सकूं।